नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। योगा कोर्स के जो फोरम है आप सभी छात्रों के वो स्टार्ट हो चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट है, जैसे वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय के एक तरीके से जो एडमिशन प्रोसेस को लेकर काफी जो स्टूडेंट है लगातार इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली आप सभी छात्रों के लिए एक बड़ा कोर्स यानी जो योगा साइंस का जो कोर्स है उसके जो एडमिशन है आप सभी छात्रों के लिए वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब एडमिशन आपको किस तरीके से लेना है, साथ में इसके लिए फीस कितनी रहेगी, साथ में रीजनल सेंटर आपको क्या क्या मिलेंगे, एडमिशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और भी काफी चीजें हैं, वो सब कुछ इसी वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस योगा कोर्स के बारे में मैंने काफी दिनों पहले एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो में आप सब कुछ जान लोगे, ठीक है। अब इसका जो फोरम है, देखो योगा का कोर्स मैं फर्स्ट में बता दूं, ये एक साल का कोर्स होता है। जैसे मिनिमम इसमें आपको चार एक तरीके से आप बोल सकते हो ऑप्शन दिए जाते हैं, मतलब कि जैसे आपने एक साल का ये कोर्स है और बाय चांस आपके किसी भी सब्जेक्ट में मतलब कि बैक लग जाती है तो आप दूसरे साल इसको पास कर सकते हो, दूसरे साल भी अगर आप पास नहीं होते हो तो थर्ड साल आप पास कर सकते हो, थर्ड साल भी अगर आप पास नहीं होते हो तो फोर्थ साल पर भी आप इसको पास कर सकते हो। अगर फोर्थ साल में भी अगर आपका पास नहीं होता है ये कोर्स तो आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको दोबारा से इसमें एक तरीके से एडमिशन लेना पड़ेगा। अब उसी के बाद में इसके जो फोरम है वो आपके 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 31 जनवरी रहने वाली है। साथ ही में जो इस कोर्स का एक तरीके से जो फीस है वो कितनी लगती है, फीस इसकी टोटल 5800 रुपए लगती है, वैसे अप्रोक्स 5000 मान सकते हो लेकिन बाकी चीजों को मिलाकर यहाँ पर टोटल आपकी 5800 रुपए रहेगी। जो बालिकाएं हैं मतलब कि जो छात्राएं हैं उनकी जितनी भी फीस है यानी जितनी भी 5800 रुपए लगती है वो उनकी रिफंड हो जाती है, दोबारा उनसे उनको मिल जाती है। किस तरीके से मिलती है, साथ में जो बॉयज है उनको 15% यहाँ पर छूट मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी वो सब कुछ वीडियो के लास्ट में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके लिए जो रीजनल सेंटर आते हैं जैसे आपका अजमेर आएगा, जैसे जयपुर आएगा, जयपुर के बाद में जोधपुर हो गया, जैसे आपका बीकानेर हो गया, उसके बाद में भरतपुर हो गया, कोटा हो गया, ये आपके रीजनल सेंटर होते हैं। दूसरी बड़ी बात, इसके लिए आपकी एबीसी आईडी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ जो क्रेडिट की आपकी एबीसी आईडी है, जिस तरीके से जो कॉलेज के स्टूडेंट है उन सभी के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, उसी तरीके से आपको एबीसी आईडी बनाना नेसेसरी है। अगर आपकी एबीसी आईडी पहले से ऑलरेडी बनी होगी तो ही आप इसके लिए एक तरीके से अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे तो वहां पर आप सभी छात्रों को दिक्कत आएगी। उसके बाद में यहाँ पर जो इसके लिए अप्लाई करते हैं वो 12th पास जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है, फर्स्ट डिवीजन हो गया, सेकंड डिवीजन हो गया, थर्ड डिवीजन हो गया, किसी भी डिवीजन से आपने मतलब कि फेल स्टूडेंट नहीं, ओनली जो पास स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट है VMU की, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाकर फॉर्म भर सकते हो। अब देखो बाकी जो नोटिफिकेशन है आप वो स्क्रीन पर देख भी सकते हो, इस तरीके का आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। बाकी आपको जो चीजें हैं वो यहाँ पर मैं बोलते हुए चलूंगा और साथ में आपको क्लियर भी करूंगा कि किस तरीके से आपको वहां पर जाना है, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे कि आपने फॉर्म भर लिया, अब आपका पैसा है, पैसा आपका रिटर्न किस तरीके से होगा, देखो जो गर्ल्स है, गर्ल्स जैसे कि मतलब कि आपको फर्स्ट में अपने 5800 रुपए है वो आपको देने पड़ेंगे फीस के तौर पर, लेकिन जब आपका जो एडमिशन है कंप्लीट रूप से हो जाएगा, जो आपके एनरोलमेंट नंबर है वो आपके कंप्लीट रूप से आपके पास में आ जाएंगे, तो उसके बाद में एक योजना रहती है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, उसका आप फॉर्म भर सकते हो। उसका फॉर्म भरने के बाद में जितना भी पैसा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, यानी कि आपके लिए एक तरीके से फ्री में ये कोर्स करवाया जाएगा जो कि एक साल का ये कोर्स रहता है, क्योंकि इसके लिए आगे भी जो भर्ती है वो आती है योगा में, एक तरीके से ग्रेड फर्स्ट की हो गई, सेकंड की हो गई, योगा भर्ती आप सभी छात्रों के लिए निकलती है, यानी कि जो गवर्नमेंट भर्ती है वो आपके लिए निकलती है, उसमें आप एलिजिबल रहोगे तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आपको कहीं पर भी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। जो बॉयज है, बॉयज का मैं क्लियर कर देता हूं, जो बॉयज है उनको 15% यहाँ पर छूट किस तरीके से मिलेगी, देखो आपको बुक्स से मंगवानी पड़ती है, ठीक है। अब काफी छात्रों का डाउट ये भी रहेगा कि सर ये जो हम कोर्स करेंगे ये इसका मीडियम है वो हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसका मीडियम आपका हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा, लेकिन जो आपको बुक मिलेगी बुक आपकी वो हिंदी में ही आपको मिलेगी। अब इसमें छूट किस तरीके से मिलेगी, यानी जो बॉयज है उनको छूट किस तरीके से मिलेगी, छूट आपको इस तरीके से मिलेगी कि जब आप फॉर्म वगैरह भरोगे तो आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा SLM का, ठीक है, तो वहां पर आपको हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी आपको सिलेक्ट करनी है, यानी कि जो आपकी बुक है यानी जो आपको बुक भेजी जाएगी वो आपके घर पर भेजी जाएगी, लेकिन वो इस तरीके
तरीके से, मतलब कि आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको बुक नहीं मिलेगी, आप बाहर से कहीं से भी परचेज कर सकते हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, इसलिए मैंने टेलीग्राम बना रखा है, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जितने भी स्टूडेंट है यहाँ पर योगा कोर्स करने की सोच रहे हैं तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आगे जाकर आपको अपडेट भी मिलने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को आप स्टूडेंट जैसे अभी जनवरी में देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट इसको फरवरी में भी देखेंगे, आगे जाकर आपकी जैसे कन्फर्म है जो आपकी डेट है, डेट आपकी पोस्टपोन होगी, जैसे अभी 31 दिसंबर आपकी मतलब कि सॉरी जनवरी रखी गई है, तो ये डेट आपकी पोस्टपोन भी होगी। पोस्टपोन होने का कारण यही है कि यहाँ पर वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा जो एडमिशन है, एडमिशन का प्रोसेस काफी लेट आप सभी छात्रों के लिए हुआ है, तो एक मौका तो आप सभी छात्रों को यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, अब आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रैक्टिकल की आपकी क्लासेस वगैरह लगती है, जैसे 10 दिन की लगती है, जिसमें कि आप 7 या 8 दिन भी अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको पास कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी आपका जो कोर्स है क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा इसका मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं, तो आपको वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, उस पीडीएफ को जाकर देख लेना कि क्या क्या आपके सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। साथ ही में बुक्स आपको किस तरीके से मंगानी है वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा वहां पर। अगर आपको 15% छूट चाहिए तो आपको वहां पर जैसे आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, फॉर्म किस तरीके से भरना है जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये वीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको चले जाना है। चले जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे, यानी कि अंदर एक और न्यू पेज ओपन होगा। उस पेज पर जाने के बाद में वहां पर आप नीचे चलोगे तो नीचे आपको डिटेल वगैरह शो करेगी कि आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स लगाना है, आपको यहाँ पर एबीसी आईडी वगैरह बनवानी है, साथ ही में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं उनकी पूरी लिस्ट रहेगी। वहां पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, नीचे नीचे देख सकते हो, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप अंदर एक तरीके से खुल जाओगे, मतलब कि जो मेन पेज है वेबसाइट का जहां से फॉर्म भरते हैं वो पेज ओपन हो जाएगा। वहां पर ओपन होते ही आपको वहां पर जो डेट है, डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको सिलेक्शन का, यानी कि जो कोर्स है कोर्स सिलेक्शन का आपको मिलेगा, योगा कोर्स का। जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपकी फीस है, कितनी फीस है, टोटल फीस है उसका, और बाकी जो भी चीजें हैं सब कुछ आपको ऐसे इस तरीके से मतलब कि आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है, देखो जितने भी डाउट थे वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा ये फॉर्म आपको भरवाया जा रहा है, काफी फायदेमंद है। यहाँ पर जो 12th पास जो स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओनली एक ईयर का, मतलब कि एक साल का आपका ये कोर्स रहता है। यहाँ पर 4 बार तक आप फेल हो सकते हो, मतलब कि एक तरीका है बोलने का मेरा, ठीक है। अगर 4 साल के बाद में मतलब 4 साल आप लगातार फेल हो और फिर 5वें साल भी अगर आप फेल होते हो तो आपको दोबारा से ये कोर्स आपको करना पड़ता है। इस तरीके से ये जो सिंपल एक तरीके से इंस्ट्रक्शन रहते हैं, कुछ डिटेल है बाय द वे, मैंने जितनी भी चीजें हैं वो बता दी है। इनफैक्ट मैंने आपको फीस रिलेटेड बाकी और भी जो चीजें हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिए किस तरीके से आपको बुक मिलेगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उनको भी पता लग सके कि अगर आप योगा कोर्स करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।